स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th लेसन 10 काठमांडू। इस लेसन के लेखक हैं विक्रम सेठ। अगर एक बार पाठ की हिंदी कहानी समझ में आ जाए तो उसके प्रश्नोत्तर याद करना आसान हो जाता है तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। मैं नगर के मध्य में एक सस्ता कमरा लेता हूँ और घंटों सोता हूँ। अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ काठमांडू के दो मंदिरों की सैर करता हूँ, जो दोनों हिंदुओं व बौद्ध लोगों के लिए अत्यंत पवित्र हैं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। पशुपतिनाथ पर बाहर एक बोर्ड घोषित करता है केवल हिंदुओं के लिए। एक समझ से बाहर भयंकर भ्रमात्मक वातावरण है। पुजारी, हॉकर्स, भक्तगण, पर्यटक, गायें, बंदर, कबूतर और कुत्ते मैदानों पर अनियंत्रित घूमते हैं। हम कुछ फूल चढ़ाते हैं। पूजा करने वाले इतने हैं कि कुछ लोग बेपुजारियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दूसरों को कोहनी से हटाकर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। नेपाल के शाही महल की एक राजकुमारी आती है। हर एक उसको सर झुकाता है और उसके लिए रास्ता बनाता है। मुख्य दरवाजे पर एक केसरिया रंग के कपड़े पहने विदेशी लोग अंदर आने के लिए संघर्षरत हैं। पुलिसमैन यह मानने को सहमत नहीं है कि वे हिंदू हैं। केवल हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश के लिए इजाज़त है। दो बंदरों में लड़ाई छिड़ जाती है। एक दूसरे के पीछे दौड़ता है जो शिवलिंग पर कूदता है, फिर मंदिर के चारों ओर चीखते नीचे पवित्र बागमती नदी के पास पहुंच जाता है, जो नीचे की ओर बह रही है। उसके किनारों पर लाश जल रही है। धोबी लोग अपने काम पर लगे हैं और बच्चे नहा रहे हैं। एक बालकनी से पुराने फूल पत्तियों की बास्केट लटकती है और नदी में उलट दी जाती है। नदी के किनारे एक छोटी सी मंदिरी आधी उभरी हुई है। जब वह पूरी तरह बाहर आ जाएगी तब उसमें भी देवी की मूर्ति बाहर निकलकर आ जाएगी और कलयुग का बुरा समय धरती पर अंत हो जाएगा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। बौद्धनाथ स्तूप पर काठमांडू के बुद्ध के मंदिर पर उसके बिल्कुल उल्टा है एक निस्तब्धता का वातावरण। एक विशाल सफ़ेद गुंबज जो चारों ओर से घिरा है। उसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं, उनमें से अधिकांश तिब्बती प्रवासियों की है। ऊनी बैग, तिब्बती रंग बिरंगे कपड़े और चांदी के आभूषण यहाँ खरीदे जा सकते हैं। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। यह इसके पास भीड़ भरी सड़कों के लिए एक स्वर्गिक समान है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। काठमांडू जीवंत है। धनवान, धार्मिक, पतली और व्यस्ततम सड़कें, फूलों से सजी देवी देवताओं छोटी मंजरियों से युक्त हैं। फल विक्रेता, बंसी विक्रेता, पोस्टकार्ड के हॉकर्स युक्त हैं। पश्चिमी प्रसाधनों के विक्रेताओं की दुकानें यहाँ हैं। फिल्म रोल व चॉकलेट भी मिलती हैं और तांबे के बर्तन और नेपाल की पुरानी चीज़ें भी हैं। फिल्मों के गाने रेडियो में बजते रहते हैं। कारों के हॉर्न्स की आवाज़, बाइसिकल की घंटियों की आवाज़, आवारा गायें मोटरसाइकिलों की ओर देखती, विक्रेता अपने माल की आवाज़ लगाते हैं।
मैं बिना उद्देश्य के मजा लेता हूँ, एक मर्जी पान की बार खरीदता हूँ, कोयले की सिगड़ी पर सिक्का एक भुट्टा जिस पर नमक नींबू व मिर्च लगी है खरीदता हूँ। प्रेम कहानी की कॉमिक्स और एक रीडर्स डाइजेस्ट भी क्रय करता हूँ। इन सब के साथ कोका कोला की एक बोतल एक गैस छोड़ती है। संतरे का पेय पदार्थ लेता हूँ और खूब आनंदित होता है और अच्छा महसूस करता हूँ। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। मैं सोचता हूँ कि मुझे किस रास्ते से घर जाना है। यदि मैं उत्साह से स्वयं प्रेरित किया जाता हूँ तो मैं बस व ट्रेन से पटना जाऊँगा, फिर नाव से गंगा बनारस होते हुए इलाहाबाद जाऊँगा, फिर यमुना से आगरा होते हुए दिल्ली जाऊँगा। पर मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे घर की बहुत याद आ रही है। आज अगस्त महीने की आखिरी तारीख है। मैं अपने से कहता हूँ कि सीधे घर जाओ। मैं नेपाल एयरलाइंस के एक ऑफिस में जाता हूँ व कल की उड़ान से एक टिकट खरीदता हूँ। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। मैं एक बांसुरी विक्रेता को होटल के पास एक चौराहे के कोने पर खड़ा देखता हूँ। उसके हाथ में एक डंडा है जिसमें ऊपर के सिरे पर एक अटैचमेंट है जिसमें 50 से 60 बांसुरियाँ बाहर एक स्याही के कांटों के समान सभी दिशाओं में लगी हैं। ये बांस की हैं, उसमें कुछ क्रॉस बांसुरी और रिकॉर्डर हैं। समय समय पर वह डंडे को ज़मीन पर रखता है, एक बांसुरी चुनता है और कुछ मिनट के लिए बजाता है। उसकी ट्रैफिक व हॉकर्स की चीख पुकार ऊपर जाती है। वह धीमे धीमे व ध्यानपूर्वक बिना किसी दिखावे के लिए बजाता है। वह अपने माल के लिए जोर से आवाज़ नहीं करता। कभी कभी वह बिक्री भी कर लेता है, किंतु उत्सुकता से, तटस्थ भाव से, जैसे कि वह उसके उद्यम के लिए कभी कभी की घटना हो। कभी कभी वह किसी फल विक्रेता से बात करने के लिए विराम ले लेता है। मैं कल्पना करता हूँ कि यह उसके जीवन का ढंग है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। मैं अपने आप को चौराहे को छोड़कर जाना कठिन पाता हूँ। बांसुरी का संगीत हमेशा वह करता है। यह एक साथ विश्वव्यापी है और खास प्रकार की ध्वनि है। कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें बांसुरी वाद्य ना हो। रीड, नेह, रिकार्डर, जापान का साकुहची, भारत की शास्त्रीय गहरी बांसुरी, स्पष्ट व श्वास भरी दक्षिण अमेरिका की बांसुरियाँ, ऊंचे आवाज वाली चीन की बांसुरियाँ। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। मैं बांसुरी पर कुछ अति परिचित शब्दों से प्रभावित हो सकता हूँ। पहले तो मुझे आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि पहले समय पर कि मैं लंबे समय तक विदेशों में रहने के बाद मुझे मुश्किल से ऐसे विस्तृत जानकारी मिली है, और निश्चित रूप से मैंने इतने महत्व से जो मैं आज कर रहा हूँ, मैंने इनको अपने में समाया नहीं। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।